आज इंदौर में भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच वनडे मैच को लेकर लोगों में जबरदस्त उत्साह देखने को मिल रहा है। जहां भारत और ऑस्ट्रेलिया के होने वाले मैच में इंदौर में भारतीय टीम के अनोखे फैंस का जमावड़ा देखने को मिल रहा है। जहां महेंद्र सिंह धोनी के फैंस से लेकर हर मैच में नजर आने वाले सचिन तेंदुलकर के जबरा फैन सुधीर भी मैच के लिए इंदौर स्टेडियम पहुँचे हैं। वहीं स्वच्छ भारत का संदेश लेकर अनोखी वेशभूषा में मैच देखने पहुँचे भारत माता के अनोखे मुस्लिम फैन भी आकर्षण का केंद्र बने। बता दें कि भारतीय क्रिकेट टीम दोपहर 11:50 पर ही इंदौर स्टेडियम पहुंच गई, पर टीम इंडिया के जबरा फैंस घंटों पहले ही मैच देखने के लिए होलकर स्टेडियम पहुंच गए। जहां टीम इंडिया के अलावा मैच देखने पहुंचे सचिन तेंदुलकर के जबरा फैंस सुधीर ने पहले ही जीत का शंखनाद कर दिया। वहीं सचिन तेंदुलकर के जबरा फैंस सुधीर और महेंद्र सिंह धोनी के फैन आकर्षण का केंद्र भी बने। बड़ा मैच है और ये वर्ल्ड कप से पहले इंदौर में होना बहुत बड़ी बात है और ऑस्ट्रेलिया इंडिया जब होते हैं आमने सामने एक तकरार वाली होती है, क्योंकि टेस्ट मैच वो लोग जीत के चले गए थे, लेकिन मैं चाहूंगा वनडे में उनको हराएं और वो टेस्ट मैच का बदला लें और जो रिकॉर्ड यहाँ पे कायम बना हुआ है इंडिया का वो कायम रहे और टीम इंडिया ये सीरीज जीत के आगे बढ़े। क्या लगता है यहाँ पर सेवा का रिकॉर्ड भी हमारे खिलाड़ी? बिल्कुल बिल्कुल, जो रिकॉर्ड जो होते हैं टूटने के लिए बनते हैं और जरूर टूटेंगे, क्योंकि हर एक भारतीय ने ये करके दिखाया है और उसमें से शुभमन गिल एक नाम है जो क्या जिस दिन चल गए उस दिन 300 भी लग सकते हैं। बड़ा स्कोर लगता है यहाँ पर, आज कितना स्कोर की उम्मीद लगा के रखें? बिल्कुल, अगर टीम इंडिया पहले बल्लेबाजी करती है तो 350 प्लस रन जरूर लगेंगे। अगर टीम इंडिया पहले बल्लेबाजी नहीं आती है, बॉलिंग करती है, तो ऑस्ट्रेलिया 260 ऑल आउट करे और आगे। ऑस्ट्रेलिया पहला मुकाबला हार चुकी है, उस पर पलटवार करने की क्षमता है, किस तरह से देखते हैं इस बार ऑस्ट्रेलिया जो है पलटवार करेगी? बिल्कुल, इसके लिए हमने दो स्पेशलिस्ट खास करके अश्विन जो क्या फिफ्टी के जादू कर रहे हैं, जड्डू जो क्या ऑस्ट्रेलिया के हमेशा चने चबाते हैं, वो यहाँ पे परफॉर्म करेंगे। क्या आप मैच देखने के लिए? मैं यही इसमें क्या इंदौर से ही आए हैं? नहीं, भोपाल से आया हूँ। आप भोपाल से आए हैं? एक्टिवा से आया हूँ। ठीक है, आप हाथ में आपके पोस्टर है भारत माता की जय, नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट हमारा भारत सबसे बेस्ट। क्या सुनाम लिखते हैं? सैफुद्दीन शाहजहांपुर वाला। अच्छा, और क्या देखने के साथ साथ स्वच्छ भारत का संदेश भी देता हूँ, जैसे इंदौर नंबर एक आ रहा है स्वच्छता में, तो इंदौर को नहीं, हमको हमारे भारत को नंबर एक बनाना, हर चीज में नंबर एक बनाना है। अब हम जैसे हम जहाँ भी खुशी मनाने जा रहे हैं, मैच देखने जा रहे हैं, तो लगता है इंदौर वाले सफाई के लिए ध्यान रख रहे होंगे, लेकिन बाहर से लोग जो आ रहे हैं साथ ही कचरा फेंक रहे हैं, सभी से निवेदन है जहाँ भी जाएं अपना कचरा अपने साथ रखो, कचरे के डब्बे में डालें, तो हमारा देश अपने आप स्वच्छ बन जाएगा। भारत माता की जय। ठीक है, आज के मैच को लेकर क्या लगता है, क्या उत्साह? मैच इंडिया जीतेगी। जीतेगा? मैं पूरी इंडिया की टीम का फैन हूँ। ठीक है, एक बार फिर अपना नाम बता दीजिएगा। सैफुद्दीन शाहजहांपुर वाला। ग्राउंड में ये शंख नहीं, अभी जो हालिया में एशिया कप जीत के टीम इंडिया ने हौसला बुलंद रखे, ये एशिया कप तो बहाना है, वर्ल्ड कप जीत के लाना है ये नारा, और ये टीम इंडिया के लिए शुभ नारा संकेत कर दो संकेत, ये है जंगे ऐलान टीम इंडिया।